हरियाणा में 39% के लिए मोदी को पीएम बनाना बड़ा मुद्दा, 42% के लिए बेरोजगारी बड़ी चिंता। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। मेरा वोट मेरी मर्जी सर्वे रिजल्ट पार्ट एक, हरियाणा में 39% के लिए मोदी को पीएम बनाना बड़ा मुद्दा, 42% के लिए बेरोजगारी बड़ी चिंता। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों समेत कुल 308 सीटों पर हुए सर्वे के नतीजे बताते हैं कि जनता का रुख समझना इस बार आसान नहीं है। हरियाणा में एक तरफ 39% लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा नरेंद्र मोदी को फिर पीएम बनाना है, वहीं दूसरी तरफ 42% लोग ऐसे भी हैं जो बढ़ती बेरोजगारी से परेशान हैं। 12 राज्यों और एक एक केंद्र शासित प्रदेश में 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक चले इस सर्वे में करीब 8 लाख लोगों ने अपनी राय दी है। सर्वे के नतीजे कहते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान के पिछले रिकॉर्ड टूट सकते हैं, क्योंकि इन 12 राज्यों में 95% लोगों का कहना है कि वे वोट देंगे। हरियाणा में भी 96% लोगों का कहना है कि वे वोट देंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में 67 लोगों ने वोट दिया था, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये सबसे बड़ा वोटर टर्नआउट था। सर्वे में हरियाणा के 96% लोगों ने वोट देने का इरादा जताया है, हालांकि वास्तविक वोटिंग के दिन ये आंकड़ा गिर सकता है, फिर भी ये उत्साह बताता है कि 2019 के मतदान का रिकॉर्ड टूट सकता है। वोट न देने का इरादा जताने वाले की संख्या भले ही कम हो, लेकिन उनका एनालिसिस कुछ चिंताजनक ट्रेंड दिखाता है। उम्र के हिसाब से बांटा जाए तो वोट न देने वाले सबसे ज्यादा 18 से 30 की उम्र के बीच के हैं, वहीं जेंडर के हिसाब से देखें तो वोट न देने वालों में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा हैं। सर्वे के नतीजे बताते हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी का मुद्दा नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर भारी पड़ता दिख रहा है। 12 राज्यों का ओवरऑल डेटा देखें तो कुछ ऐसा ही तस्वीर मिलती है, 48% लोगों के लिए नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना बड़ा मुद्दा है तो 37% के लिए बढ़ती बेरोजगारी बड़ी चिंता है। सर्वे में यह यूजर 10 मुद्दों की लिस्ट से कोई भी 4 मुद्दे चुन सकता है। यहाँ हमने ये गणना की है कि कौन सा मुद्दा सर्वे भरने वाले कितने फीसदी लोगों ने चुना। ये भी संभव है कि नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम बनाना है को मुद्दा चुनने वाले यूजर ने बढ़ती बेरोजगारी को भी मुद्दा चुना हो। सर्वे से मिली जानकारी को आयु वर्ग और जेंडर के हिसाब से बांटे तो मुद्दों के चुनाव की एक और तस्वीर दिखती है। जैसे हरियाणा में 18 से 30 की उम्र के 39% लोगों के लिए बढ़ती बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, वहीं 55+ साल की उम्र वालों के 56% लोगों के लिए नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना है सबसे बड़ा मुद्दा है। बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा चुनने वाले 42% पुरुष हैं, जबकि 49% महिलाएं हैं, यानी ये पुरुषों से ज्यादा महिलाओं के लिए चिंता का विषय दिख रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।